अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश का टेंसेस का अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। होप सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड माय लेक्चर नंबर 1, और अगर कोई आपको कोई डिफिकल्टी फील हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, यू गाइस कैन जस्ट कमेंट एंड मुझे समझ आ जाएगा कि आपको कहाँ पर मसला है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं दोबारा उस चीज़ पर आऊँ और कोशिश करूँ कि आपकी सारी जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको दूर कर सकूँ। तो आज हम अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस करने जा रहे हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर चुके थे, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पहचान हमें उर्दू में किन टेंसेस से पता चलेगा, उर्दू के किन जुमलों से पता चलेगा कि ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस हैं। वो वाले उर्दू के जुमले जिनके आखिर पे अलिफ छोटी है या फिर बड़ी है आता हो, वो हमारे पास कौन से होंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी अगर हम कहें कि मैंने ख़त लिखा, तो एंड पे अलीफ आ रहा है कि मुझे पता चल गया ये पास्ट इंडेफिनेट है, मैंने लिखा। पास्ट इज़ ऑलरेडी, यू गाइस शुड नॉट कि पास्ट जो है वो मतलब जो काम कर लिया हमने, ठीक है। तो फिर छोटी और बड़ी है, यानी उसने कपड़े धोए, बड़ी है आ रहा है, तो दिस इज़ अगेन जो है ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो हमारे पास बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है इस टेंसेस का, कौन सा स्ट्रक्चर? बेसिकली कोई भी टेंस हो उसमें तीन चीज़ें हमारे पास कंपलसरी होती हैं। कोई भी सेंटेंस हमारे पास हो उसमें तीन चीज़ें होना कंपलसरी होता है, तभी वो सेंटेंस जो है वो सेंटेंस कहलाएगा। फर्स्ट जो हमारे पास चीज़ होनी चाहिए वो सब्जेक्ट है, सेकंड चीज़ जो है वो हमारे पास वर्ब है, और थर्ड चीज़ जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है, ठीक है, जो शख्स काम कर रहा है, ठीक है। वर्ड जो है हमारा कोई भी एक्शन, हमारा खाना पीना सोना उठना जागना बैठना चलना नहाना धोना, ठीक है। तो ये हमारा कोई भी एक्शन जो है वो हमें वो वर्ब कहलाता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो जिस चीज़ पर काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में इसका फॉर्मूला एज इट इज़, जिस तरह हर टेंस में तीन चीज़ें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, वैसे ही आएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ का एडिशन होगा कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ऑलराइट, जिस तरह अगर हम कहें कि प्ले है तो प्ले का क्या आएगा? प्लेड, ठीक है। अगर राइट है तो राइट का क्या आएगा? रोट, ठीक है। यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी इनके सिंपल स्ट्रक्चर में। नेगेटिव में क्या होगा? इसके सब्जेक्ट के बाद हमारे पास नेगेटिव, ऑलरेडी यू गाइस नो डेट नेगेटिव नहीं ना वाले सेंटेंसेस होते हैं सारे, तो इसमें डेड नॉट का एडिशन होगा। इसमें सिंगुलर प्लूरल कोई इसमें लाइक रुकावट नहीं है, कोई बैरियर नहीं है कि सिंगुलर के साथ आपने डू या डज उस तरह का, नहीं। इसमें आपने सब सेंटेंसेस के साथ डेड नॉट यूज़ करना है, और इसमें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एक बार एक सेंटेंस में यूज़ कर चुके हैं, तो उसमें हमें दोबारा यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। और लास्ट पे अगेन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इंट्रोगेटिव यू गाइस नो कि वो वाले सेंटेंसेस हैं जिनके जो सवालियाँ होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाले उनको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज़ डेड, वो हमारे पास फर्स्ट पे आ जाएगा। बाद में हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा क्योंकि इसमें डेड यूज़ होगा जो कि ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। देन हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट पे जो कि इंट्रोगेटिव की सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, तो इसमें क्वेश्चन मार्क ऐड करना मत भूलिएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इंट्रोगेटिव में हमारे पास सब टेंसेज में एक चीज़ और आती है, वो होती है WH फैमिली। अब WH फैमिली क्या होती है? WH फैमिली बेसिकली वो होते हैं, वो वाले वर्ड्स होते हैं जो WH से स्टार्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। यानी व्हाट, ठीक है, व्हाट के बाद हु, हुम, व्हेन, विच, तो ये सारे यानी WH फैमिली वाले वर्ड्स हैं जो कि हमारे पास WH फैमिली, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में आ गया है वो हमारे घर कब आया, ठीक है, तो वो कहाँ गया, ठीक है, यानी कब कहाँ कैसे क्या, ये वाले सेंटेंसेस जब आ जाएंगे तो उनमें हमें WH फैमिली वाले वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे एज मैंशन। तो उनमें हम फिर कैसे यूज़ करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो ये जिस तरह के आप लोग देख रहे हैं कि नीचे उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिर वहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम ऐड करेंगे WH फैमिली के वर्ड्स, ठीक है, उसके बाद हम अपना हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे डेड, उसके बाद हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे, अगेन इस पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी क्योंकि ऑलरेडी वी यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द शेप ऑफ डेड, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे क्योंकि दिस इज़ द काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो वी नीड टू यूज़ द क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, तो आइए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स की तरफ जो हैं वो मूव करते हैं, सिंपल के भी
नेगेटिव की भी और इंट्रोगेटिव इंक्लूडिंग डब्ल्यू एच फैमिली। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस कौन से हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके फर्स्ट जो एग्जाम्पल जो हम लिखने जा रहे हैं वो हमारे पास है दे प्लेड हॉकी। क्या है? दे प्लेड हॉकी। ठीक है, अगर हम इसी को ही नेगेटिव में करने की कोशिश करें तो क्या आएगा? दे डिड नॉट प्लेड हॉकी, प्ले हॉकी। ठीक है, दे डिड नॉट प्ले हॉकी, प्लेड नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी हम उसमें डिड यूज़ करेंगे, दैट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ डू। तो इसमें उसमें हम डिड यूज़ करेंगे और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम इसी को इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव में यूज़ करें तो क्या आएगा? डिड दे प्ले हॉकी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। अब हम नंबर टू पे मूव करते हैं, एग्जांपल नंबर टू पे। तो बहुत ही इजी, बहुत ही जो है आप सबके लिए आसान। आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, मैंने ख़त लिखा। आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें और साथ साथ आपको पता चलेगा कि हमारी पहचान जो है यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट की वो साथ साथ कंप्लीट होते जा रही है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास थर्ड सेंटेंस एज अ एग्जांपल या एज अ प्रैक्टिस के तौर पे जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर लिखेंगे वो है हमारे पास शी कॉल्ड मी। शी, तो ये क्या है? शी कॉल्ड मी यस्टरडे। ठीक है, एक और सेंटेंस हम सिंपल, ये सारे हमारे पास सिंपल ही जा रहे हैं, इन्हीं को ही आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में अपनी रफ शीट्स पे या जो है या अपने नोट्स जो आप बना रहे हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी कहा है आप टेंसेस के बनाएं ताकि आपको किसी भी वक्त मुश्किल पेश ना हो, तो उनमें आप इनको साथ साथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी करते जाइए। अब नेक्स्ट जो हम दिख रहे हैं वी बी ओ यू बाउट पी ओ यू जी एच टी, We bought a house. We bought a house in Lahore. ठीक है, हमने लाहौर में एक घर खरीदा। ठीक है, एंड पे खरीदा अगेन। और अगर हम डब्ल्यू एच फैमिली में करें तो डब्ल्यू एच फैमिली में हमारे पास सेंटेंस जो है वो किस तरह से आएगा? ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ WH, यानी WH से हमने सेंटेंस करना है, टेंस स्टार्ट करना है, तो हमारे पास टेंस क्या होगा? मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, काइंडली आप ज़रा इस पे ध्यान दीजिए। When did the train arrive? ARRIVE, arrive। ठीक है, यानी हमारे डब्ल्यू एच में यानी वैन जो है हमारे पास स्टार्ट में आ गया, डेट हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ गया और द ट्रेन अराइव, इसमें कोई हमने सेकंड फॉर्म ऑफ यूज़ नहीं की बिसाइड्स देन दिस दैट। तो ये हमारा लेक्चर नंबर टू जो है टेंसेस का यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आपकी असाइनमेंट ये है स्टूडेंट्स और व्यूअर्स कि आपने ये वाले जो टेंसेस मैंने लिखे हैं यहाँ पर इनको आपने इंट्रोगेटिव और इनको आपने नेगेटिव में करना है ताकि आपके लिए आसानी हो। कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आपको हो, डू कमेंट और हमें पता चल जाएगा आपको क्या मुश्किल आ रही है, हम उसको एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब अवर चैनल और इसको शेयर भी करते रहिए और वीडियो जो है आप कंप्लीट देखा करें ताकि आपको पूरे तरह से तमाम टेंसेस की समझ आ जाए और कोई भी कंसेप्ट जो है वो आपका मिसिंग ना हो। तो थैंक यू सो मच।